जय जय राजा तो टुटूगा तो पता लगूगा तेल नाले लारे नी तू लाउने। हाँ तो माँ के लाडलू मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल दिल्ली हाईवे के पास। बिल्कुल भाई साहब झुमका के जस्ट सामने बताऊं आगे एक रबर कॉलोनी है, भूतिया हॉन्टेड कॉलोनी, मौज आ जाएगी भयंकर। आज तो मैं दिखाने वाला हूँ, भयंकर सुनसान रोड है पूरी, इधर कोई भाई आता जाता नहीं है। और भाई बताऊं सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, ये 1999 में ये फैक्ट्री हो गई है बंद, इस कारण से इन पे पैसा ना तो भरवे को, इनने ना भरो पैसा। और भाई अभी लॉकडाउन था 2020 में, भाई इसमें बाघ पकड़ा गया, बाघ। और भाई झूठ नहीं बोल रहा, फैक्ट्री बहुत तगड़ी हॉन्टेड फैक्ट्री है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं हम लोग। और वो लोग सामने टहल रहे हैं, वो खुद अपना व्लॉग बना रहे हैं थोड़ा। चले अब मौज कर दी, बिल्कुल मौज कर दी, चले। सो गाइस बहुत खतरनाक जगह आ चुका हूँ मैं, क्या बोलूँ भयंकर, मुझे तो लग रहा है डर इधर अंदर जाने में। तुम लोगों को खुद दिखाता हूँ मैं प्रॉपर, वो अपनी अलग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए भाई मैं तो चलता थोड़ा आगे की साइड, आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन है। भयंकर मेरी तो डर के मारे हालत खराब है भाई साहब, बहुत खतरनाक है भाई साहब जी। लोग तो मेरे संग जाना ही नहीं चाह रहे यार, भाई मुझे अकेला ही जाना पड़ रहा है। ओम फोम दुर्राटे काट रहे भैया, इधर तो बिल्कुल सन्नाटा है, बाघ फाग आगा तो मार देगा मुझे। तो आइए चलिए इधर देखते हैं। फाइनली झूठ नहीं बोला, ये लोग जाने के लिए अंदर राजी हो गए हैं। तो चलिए बताओ हम लोग चलते थोड़ा अंदर, रबर फैक्ट्री बहुत तगड़ी फैक्ट्री है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसी है। भाई लोग चल तो रहे हैं बट थोड़ा कम चल रहे हैं, तो चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ कैसी है फैक्ट्री। तो गाइज ये लोग चलने के लिए हाँ कर दिया इन लोगों ने बिल्कुल। सचिन चलना है, सचिन चलना है, ब्रो चलना है भाई, हम लोगों में मर्द। फाइनली हम लोग जा रहे हैं भाई साहब अपनी धनो, तुम राजी तो हो चलने के लिए? तो भाई साहब मौज आ जाएगी आज तो हम पे चलवे में, ओए ओए मौज कर दी, चलें। भाई चाबी तो है ही नहीं इन लोगों पे। सो गाइस बहुत खतरनाक जगह है, दो भाई और मिले हमें। तो चलिए अभी हम चलते हैं और आगे तक, आज हमें बाघ मिल ही जाएगा गारंटी हमें। भाई साहब ओम ओम दुर्राटे काट रहा है भैया, सचिन तो भाई दुर्राटे काट रहा है, लग रहा है इनकी शकल देख के, अकेला देख के ये लूट लेते लग रहे हैं, शकल लग रही है तो इनकी लूट। बंद कर लो गाड़ी, बंद कर ले भाई साहब। अंकल जी गेट अप, वीडियो नहीं काटूंगा तो सुपरवाइजर से मिल लो, चलो। हाँ सुपरवाइजर सर से हम पूछ ले रहे। अरे बड़े भैया जाइए आए भाई, सुपरवाइजर भैया से बोल पहले मिल लें यार थोड़ा। अंकल जी ने बोली सुपरवाइजर भैया से मिल लो तब चलेंगे यार अपना, थोड़ा अभी काम थोड़ा कम पड़ा हुआ है। यहाँ वैसे बताऊँ बाघ वगैरह मिल जाता है ना भाई? ओ भाई तेंदुआ और टाइगर कंपनी का अंदर रास्ता कोई जाता है कुछ कुछ तरह के लिए, कंपनी का अंदर रास्ता होगा ना, बाहर थोड़ी जाता है, रोड तो अलग है। हमने पूछा तो यार गेट नहीं है, जो अंदर पूछा गेट ही नहीं है, फिर कैसे मालूम है कुछ रास्ता कहाँ से कुछ रास्ता वो रहा है यार। पहली बार आए ना यार, पहली बार आए क्यों आएंगे जबरदस्ती यार इधर यार, हमें का मालूम होता इतना तो। चलो कोई ना, चलो कोई ना, अरे वो काम है वो ही दिखे थे हमें, कहा कि रास्ता होगा इसमें। जय जय बजरंग बली, भयंकर गाइस यार जो मस्त बैटर हुआ है यार, कलेश रचित रचित कैसा लगा? रचित वीडियो बना ले, ओए रचित चल ले बंदूक बेटा बंदूक, भयंकर मेरे तो भाई पूरा रिकॉर्ड किया है, मौज कर दी। रचित कह रहा है कि काल आया इसके तक अब यार देख लिया तुमने? हाँ यार बेटा बताओ, जब बंदूक लेके निकला ना मेरी, नहीं नहीं अभी देखो भाई साहब जो मौज आ गई भयंकर उसका बना ले भाई। भाई देखो जी है फैक्ट्री, तो चलिए गाइस अभी थंबनेल लेते हैं पहले। हाँ और क्या, रोको सचिन भाई रोको बेटा, थोड़ा आगे रोको, थोड़ी छाए में रोको, अंदर ही रहती है बाघ, ये सब बाघ वगैरह अंदर ही रहते हैं। तो चलो गाइस पहले तो हम लेते हैं थंबनेल, फिर मिलते हैं आपको। भाई साहब वो तो बंदूक लेके आओ प्रॉपर भाई, बाकी बंदूक ऐसी लग रही है। चलो यार हम तो चलते भाई पैदल पैदल, एक थंबनेल लेते हैं भयंकर। तो गाइस भाई ये लोग ले रहे हैं अभी थंबनेल, भाई साहब पीछे से वो बंदूक लेके आ रहा है, देखो डर गए डर गए डर गए डर गए डर गए। सो गाइस झूठ नहीं बोल रहा भाई, हॉन्टेड प्लेस लग रही थी वो, डर लग रहा था भाई। सही बताऊं रचित था, रचित ने बोल दी कि कौन सा रास्ता था, कुर्तरा भाई, कुर्तरा कुर्तरा भाई उसने बता दी। वो तो भाई बंदूक लेके आ गया, मैंने थोड़ा शॉट लिए हैं
तुम लोग भाई खुद देख रहे हो भाई साहब, एकदम मुझे लगा मैं तो किडनैप होने आ रहा हूँ। बस 10-5 भाई अब मानते बंदूक लेके पीछे थे साइड थे मारने का। रचित एक सेकंड तो डर गए थे ना। हाँ भाई एक सेकंड भाई झूठने वाला। सचिन तेरा क्या एक्सपीरियंस? सचिन सही बताऊँ झूठने वाला हॉन्टेड एक्सपीरियंस तो था भाई। रचित कैसा लगा भाई पहली बार गए थे ना? भाई मजा आया खूब और डर भी लगा। डर भी लगा और भाई सही भाई एक्सपीरियंस जो वर्थ इट था। भाई समझ रहा है तू भाई सबके डर लग रहा है। तो चलिए बताओ अब इन दोनों को भी अपनी वीडियो शूट कर दो, हम चलते हैं अब दूसरी लोकेशन पे। चलो तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई साहब। बहुत भाई स्कूल है या कोई वैसा मॉन्यूमेंट स्थल नहीं है। रचित क्या नाम है इसका स्कूल का? मदरसा स्कूल है भाई। इसमें लगे करे 27-28 करोड़ रुपए भाई साहब। चलो ओ भाई साहब इसका थोड़ा आगे भाई अभी तो काम चल रहा है इसमें प्रॉपर। तो चलो यार भाई ऐसा लग रहा है बुलंद दरवाजा का गेट है लग रहा है। तो चलो ये लोग आ गए चले। अरे मुझे तो ले चलो गाइस। गाइस ये भगा रहे हैं, किसी भगा रहे। चलो गाइस बाघ दिख गया मुझे बाघ। आज सचिन के सफरे में गन वाला आदमी आएगा। ओ भाई साहब ओ मैम तो भाई यार कितना सही लग रहा है। बारियां में गड्डियां नु मैं लावा स्पीड में 200 भी दी चला उन सद सामने मैं नहीं रुकता आई एम नाइट राइडर। भाई साहब ये है यहाँ का सबसे पॉपुलर मॉल बट इसकी ऐसी तेजी हुई पड़ी है क्योंकि इसका कुछ मैटर होगा। और भाई ये तो बताओ पूरा खेत वेत इतने खोल रखे हैं भाई। वो देखो मॉल दिखाऊँ थोड़ा आगे है भाई साहब ये है टॉप मॉल भाई साहब। बस थोड़ी इसकी ऐसी तेजी हुई पड़ी है बट इसमें अंदर सामान मिल जाएगा थोड़ा बहुत अगर हम घुसेंगे कुछ नहीं मिलेगा कांच के अलावा। सही है यार छोटा करना था प्यारा था मॉल। तुम जैसे रानी दोस्त नहीं होने के यार ये ब्लॉग एडिट करने में लग गया भाई। कुछ खिला दो यार घर से पैसे लोगे और उसके पापा आए आज इतनी देर बाद लौट गए जी लोग तो जा रहे दोनों इन्हें जाने दो। तो गाइस फाइनली अभी घर आ चुके हैं भाई साहब। बिल्कुल बोर रह गए भाई इतनी धूप पर रही कतई तो मैं कहाँ बताऊँ। रुको पापा नहीं देख ले पापा ना भाई साहब उसके एक्टिवा से गए थे भले ही 100 रुपये पेट्रोल लगा दी कोई दिक्कत नहीं है बट बता बहुत घूमे आए यार से बताओ निरव घूमे आए। तो गाइस अपनी पैसन में पेट्रोल खत्म हो गई थी तो भाई थोड़ी पेट्रोल हमसे पेट्रोल आए थे। चलिए पहले तो बताओ इस पेट्रोल को डालते हैं अपनी बाहू में। चलो भाई पहले भाई उड़ जाएगी जल्दी जल्दी पहले इसमें पेट्रोल डाल लूँ अपनी। भाई इतनी गंदी हो रखी है झूठने पर कुछ साइड में खड़ी खड़ी। चलो पहले पेट्रोल डाल लूँ आधा लीटर लगवाई थी भाई साहब पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गई। तो चलिए पहले से डाल लूँ फिर मिलता हूँ। पेट्रोल वेट्रोल डाल ली थोड़ी सी इस पर कपड़ा दे रही थी उस हिसाब से। तो चलो अभी चलते हैं भाई मिल रहा हो तो कुछ खा के आएंगे। तो चलो भाई पेट्रोल तो आ ही गई होगी भाई उस दिन पंचर हो गई थी पंचर और सही करा इसमें नाने भैया ना सब कुछ आएगा खत्म। तो भैया से बोला ली यहाँ पर ये और वहाँ पे एक गन्ने का ग्लास ले लेते हैं फिर जैकेट भाई लेके आने कुर्ता पजामा काले और सफ़ेद कलर। चलो वी बैक एट होम अभी जा रहे हैं इस्लामिया मार्केट भाई साहब कुर्ता पजामा का कपड़ा और वहीं के वहीं फिटिंग के लिए जाएंगे भाई साहब। बहुत सही मिलता है भाई इमरान का तुम लोग देखोगे तो बोले वाह। देखो यहाँ दिखाता हूँ है सही। चलो बस मम्मी तैयार हो जाए फिर चल रहे हैं जा रहे हैं अभी इस्लामिया मार्केट तो आपको इस्लामिया मार्केट में मिलते हैं भाई साहब। सदन जी यहाँ की फेमस यार पहले फोटो भाई साहब इस्लामिया मार्केट तो आ गए अभी कपड़े ढूंढने पड़ेंगे यार भाई। यार एक मैटर और हो गया पेट्रोल वाला पाइप है वो पूरा कट गया यार। दुकान है भयंकर निरी दुकान है यहाँ तो उस साइड में भी निरी है अभी देखते यार मिल तो रहा है निरा कपड़ा मिल रहा है यार। चलो देखते हैं ये भी सही लग रहा है ब्लैक कलर ब्रांड कपड़ा तो यहाँ बहुत महंगा चल रहा है 120 रुपये कुछ चल रहा है देखते हैं यार यार आज के सामने सही है यार उधर ही खड़ी कर दी यार दिक्कत और होगी गाड़ी में कपड़ा बहुत सही है यार इधर ये देखो यार सफ़ेद जे है और ब्लैक वाला ये कपड़ा। चलो अभी चलते उस दिन पांडे जी के संग आए थे तब टी शर्ट लेके बताऊँ गाइस बताऊँ वो वाली टी शर्टें पसंद आ गई थी तो चलिए बताऊँ वो दो टी शर्ट लेते हैं पहले तो हाँ तो भाई वो ऊपर बताऊँ वो बहुत सही मिल रही थी 129 वाली वो ले लेंगे अरे बच्चा हाँ अच्छा कपड़ा ले लिया बहुत सही कपड़ा यार देखो तो महंगा कपड़ा जे वाला सफ़ेद वाला इसी में खाई साहब अब तो सिलवाने भाई फ्रोज और वो क्या ना इमरान के कपड़े यार इमरान का बहुत सही लग रहा था यहाँ सिलाई बहुत महंगी चल रही यार इमरान थोड़ा देख ले यार कोई बता दे दुकान। चलो चलते हैं ऊपर की साइड देखते हैं मम्मी चलो उस दिन यहाँ आए थे तब यार बहुत सही भीड़ हो रखी थी इस टाइम तो कोई है भी नहीं वो दानव आए थे दानवों के संग घूमने में सही अच्छा लगता है
चलो कोई नहीं, वो वाली टी शर्ट जो दो थी वो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ है। मम्मी कहाँ रहे, दो मिनट लगे एक टी शर्ट देखने, जी ले ली, अभी एक आध और देख रहे हैं, साइज देखना था अभी। जी लेके देखिए, इमरान जैसी लग रही है बिल्कुल, तो चलो जाए डालते हैं, और एक और जो पीछे वाली जाए डालते, देखते हैं फिटिंग इसकी सही लग रही है। दो ले लेंगे, दो बताओ सही लग रही है, एक में फिटिंग में ले ली, एक वैसे ले लेंगे, है कोई ना। और एक बिलिंग मैडम, मैडम भाई इतनी अंधी भीड़ है रखी हम पे, तो बस बिलिंग में ना लगी जितनी देर, तो बिलिंग कराने में लगी, बिलिंग कराने में आराम से आधा घंटा जाएगा यार, अब यहीं दिमाग खराब है सर, हम पे लग रही है। अरे भाई दो मिनट लगे सही बताऊं शॉपिंग करने, ब्रो खड़े कर दिए बिलिंग पे भाई, अदर हम खा रहे अब प्रॉब्लम भाई, यहाँ तो हवा भाई, उसने वो जो टी शर्ट देखी भाई, वो कुर्ते का कपड़ा उसने यार बताऊं बहुत 100 रुपये मीटर लगा रहा है, 100 रुपये नहीं उसने बोली 120, फिर मम्मी ने बोली, उसने फिर मम्मी ने बोली 80, वो नहीं बोला मैडम जी देख लिए 100, तो फिर 80 पे मान गया, तो मतलब 5 मीटर के हिसाब से उसने 400 रुपये के दो जोड़ी आए। अब देखते हैं बस टेलर कहाँ मिलेगा, अभी देखते हैं यार भाई, मॉल तो सही है, काम काम चलाओ नहीं सही है, टी शर्ट भी सस्ती थी, मैंने ले लें दो ले लें, इमरान जैसी लग रही थी बिल्कुल सेम। हाँ वो क्या बोल रहा वो बताओ, अब ये बस मैं सोच रहा हूँ इसे उसके संग, अरे तू है उद्यमी, प्रॉपर उद्यमी ले, अरे भैया अरे ले मार, ले जा किसी पे गिरा दे, और गिराई में भाई ऐसे बच्चे होने चाहिए, एक भाई काउ के तो होने चाहिए। अरे ब्रो यार कितनी देर लग गई तुम्हें, इतनी देर में यार बिलिंग हो जाती, बिलिंग में लाइन लग गई भाई, इतने में 2-3 मिनट लगी मुझे शॉपिंग करने में, और भाई बिलिंग में लग रही 10-20 मिनट भाई, शॉपिंग में लगे 2 मिनट और वहाँ में लग गई, बिलिंग करावे में लगो आधा घंटा, और जीरो बिल ऐसे फाड़ के दे देते हैं, GST CGST SGST मार कौन कौन से GST लगा देते हैं, उठ गया क्या वो भाई बाबू, उठ गया नहीं बाबू लगा तो ये बाबू, चलो यार इसे भी सिलवाने डालना है, विशाल था अपना यही जिसमें आए एकदम, चलो भाई टेलर तो इधर बहुत महंगे महंगे 650 भैया, इतने को तो कपड़ा भी ना है जितने को टेलर पर रहा, बट क्या करें वो अभी फ्लेक्स वाले डाल रहा हूँ ना, तो चलो चलते हैं फ्लेक्स वाले की दुकान पे, चलो गाइस अब जाके घर लौटे, देखो कितना हो चुका है, ये हो गए 7, और ये देखो ये कुर्ते का कपड़ा और ये टी, और आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, पापा थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, तो आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत। अभी बना रहा हूँ मैं कढ़ाई पर VIP, देखो माल बिल्कुल सामान बिल्कुल VIP काट के देखो, तो चलिए बताओ एंड